इस पैकेट के बारे में ही मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। ये तो मम्मी जी के रूम में मिली ना मुझे। संध्या तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस पल्लवी से निपटना पड़ेगा। रुक, अब तुझे दिखाती हूँ कुसुम ने कितने डेली सूप्स देखे। ये बात किसी और को मत बताना। नहीं, नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा पल्लवी ये बात। और दीदी, 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 बस यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हुआ कुसुम? वो कहते ना, नंग बड़े परमेश्वर छोटे, वो हाल हो गया है। बस उनके सामने हाथ जोड़े रहो वरना वो बदनाम करके रख देगी। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो वहां के तमाशे के बाद कि वो सब मैंने किया। मैंने, मैं ये करूंगी, मैंने किया ये सब। यहाँ यहाँ आग लगा दो, बैठकर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ मैं। चाची जी, मैंने आपको कब कुछ कहा? क्यों, तू अभी इसके कान नहीं भर रही थी कि प्रसाद में भंग मैंने मिलाई? खा अपने बाप की कसम और बोल। चाची जी, आप ये क्या बोल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा पल्लवी मुझे ये बोल रही थी कि अब से इस मैटर में कोई बात नहीं करेगा। मानती हूँ आकाश, लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर पल्लवी को बात दबानी थी तो दबा देती, तुझसे डिस्कशन क्यों की? इसका तो मतलब साफ है, अपना नाम क्लियर करने के लिए दूसरे का नाम लगा दो और फिर बोल दो इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों डिस्कशन नहीं करेंगे? ताकि झूठ सामने ना आ जाए। शाबाश दीदी, एक ही नल का पानी पिया है हमने, आज अपने साबित कर ही दिया। आपसे यही उम्मीद थी दीदी कि कम से कम आप सच साफ देख पाओगी। इसका मतलब ये हुआ कि शिवजी के अभिषेक में जो तुमने सबसे माफी मांगी वो सब नाटक था। मॉम, ऐसा देखिए, आप लोग का घर का मामला है, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन इसमें पल्लवी भी शामिल है तो एक बार उसकी जबानी तो सुन लीजिए। मुझे वैसे वो भांग का पैकेट बाथरूम में मिला था। और संध्या ने पल्लवी को बताया कि ये पैकेट उसे कुसुम जी की अलमारी से मिला। पापा सही कह रहे हैं, ये बात संध्या भाभी ने पल्लवी को खुद बताई थी कि उन्हें ये भांग का पैकेट चाची की अलमारी से मिला था। ठीक है जयदेव जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि पल्लवी झूठ नहीं बोल रही है तो बात को अभी साफ कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। रवि, संध्या को बुलाओ अभी। जी दाई जी। रवि, क्यों दीदी, मतलब क्यों संध्या को खान खान बीच में घसीटना? क्या हुआ ताई जी? संध्या, डरना मत, सच सच बताओ तुम्हें ये पैकेट कहाँ मिला? कुसुम के रूम में? बोलो संध्या। बोलो। वो कुछ पक्का नहीं है मुझे, याद भी नहीं है, हो सकता है बाहर से आ गया हो। मैं बाहर से पॉट भी लेकर आई थी ना बहुत सारे, तो उनके साथ ही मैं एक पैकेट उठा लाई होंगी। मेरे ख्याल से संध्या भाभी इज राइट, शायद मुझसे समझने में गलती हो गई होगी। आई एम सॉरी चाची जी, मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्लियर हो गया आकाश? पल्लवी के बनाए हुए प्रसाद में कुसुम ने कुछ नहीं मिलाया था। मम्मी, माँ,
मुझे पता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया। सही मायने में तुम्हें घर संभालना आ गया है। So proud of you, बेटे। So proud of you. वो मेरी सच बता दो मुझे और कुछ नहीं जानना है। तन्नू को सब सच बता देना चाहिए। तन्नू अच्छा हुआ कि उन्हें खुद ही पूछ लिया। तन्नू मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। वो उस दिन ऑफिस की पार्टी हंस गई ना तन्वी। तुम तो कह रहे थे ये बुद्धू नहीं बनेगी लेकिन ये तो बन गई। अब सच बता दूं? सुनो उस रात इनकी ऑफिस की पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का चैलेंज हुआ जिसमें इनको बोला गया कि इनकी बीवी चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन तुम्हारी शर्ट पे अगर लिपस्टिक का दाग देखेगी ना तो शक जरूर करेगी लाइक एनी अदर हाउसवाइफ। लेकिन राकेश जी को पूरा विश्वास था कि मेरी तन्वी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो राकेश हार गए ना शर्त। क्या यार तन्वी तुमने उसे शर्त हरा दी। हाँ हाँ तन्वी वो मैं तुम्हें यही बताने वाला था कि ऑफिस की पार्टी में शर्त लग गई थी। I'm sorry. आकाश भाभी भाभी इतना मत सोचिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड। आइए आप बैठिए मेरे साथ। चलिए बैठिए भाभी मत सोचिए ना इतना। पर मैं समझती हूँ भाभी कि आपने सबके सामने सच क्यों नहीं बताया। आप अपनी सास के अगेंस्ट कुछ कैसे बोल सकती थी। गलत हो जाता ना। सच बताओ तो अगर मैं भी आपकी जगह होती ना मैं यही करती जो आपने किया है। सच्ची पल्लवी बस भाभी अब रोना बंद करिए। आपको पता है आपने कुछ ना कह के भी कितना कुछ कह दिया। सो इट्स ओके रोना बंद करिए और बिल्कुल मत सोचिए इस बारे में। आज तो बाल बाल बच गए। चलो जल्दी से फेंको इस भांग के पैकेट को। चाची जी स्माइल प्लीज। क्या ये क्या कर रही तू मुझ पे नजर रख रही हो। चाची जी आप और आपका प्यारा सा ये पैकेट एक साथ मिल गए तो सोचा कैद कर लूं। अच्छा है ना। ये क्या करेगी तू इसका। बस आपको बता रही हूँ चाची जी कि मैं जानती हूँ आज प्रसाद के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। घबराइए मत ये वीडियो मैं किसी को दिखाने नहीं वाली। डिलीट कर रही हूँ ये देखिए दिस इज डिलीटेड। चाची जी ना ये बात मैं पहले किसी को बताना चाहती थी और ना आप बताना चाहती हूँ। बस आपको ये बात प्रूव करनी थी। करती एक और बात कहना चाहती हूँ। हम सब फैमिली हैं
अगर हम सब मिलके प्यार से साथ रहेंगे ना तो सब अच्छा रहेगा. बस इतनी सी कोशिश है मेरी. एंड आई रियली रियली होप कि आप ये बात समझें कि मैं भी इस फैमिली से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करती हैं. फौरन आ जाओ, बॉस ने बुलाया है तुम्हें, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो. हाँ हाँ मैं आ रही हूँ. आकाश मैं जा रही हूँ. तुम जानते हो ना कि हमारी होटल दिल्ली की सबसे बेहतरीन फाइव स्टार होटल है. यहाँ लोग फाइनेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए आते हैं. और उस दिन तुम्हारी सास ने यहाँ क्या किया, तांडव. छुट्टी का दिन था, लोग यहाँ अपने परिवार के साथ खाना खाने आए थे. क्या दिखा उन्होंने, सास बहू का ड्रामा. क्या इस बात के लिए गेस्ट से पैसे मिलते हमें, क्या रेपुटेशन रह गई हमारी. सॉरी सर. तुम्हें एक महीने के प्रोबेशन पे रखा जा रहा है. एंड यू नो व्हाट, सॉरी सर, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, स्क्रूटिनी होगी मेरी, फॉर व्हाट एग्जैक्टली. आई डोंट बिलीव दिस. तुम अब भी सवाल जवाब कर रहे हो मेरे साथ. अगर फैमिली तुम्हारी प्रायोरिटी है तो रखो प्रायोरिटी में फैमिली को. हमने कहा रुका है, लेकिन होटल में ये सब ड्रामाबाजी मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता. नो Listen, Pallavi, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट पता है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, नो गुड नीट क्लीन. इसलिए तो एक मौका दे रहा हूँ तुम्हें, अपने करियर की बागडोर संभालो, बी प्रोफेशनल. यहाँ से जाने के बाद फैमिली में जो कुछ करना है करो, हु केयर्स. दिस इज योर लास्ट चांस. सर, मैं थोड़ी क्लैरिटी के साथ ये लास्ट चांस आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ. सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब मैं होटल में हूँ और घर से मुझे कोई भी कॉल आता है तो मैं उसे एंटरटेन तो नहीं कर रही. Exactly. या मैं होटल में घर का कोई काम तो नहीं कर रही, मैं घर के किसी मेंबर से होटल में रह के बात तो नहीं कर रही. क्या आप ये चेक करना चाहते हैं? तो सर, जब मैं घर पे हूँ, क्या आपका होटल या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि मुझे होटल से कोई कॉल ना आए किसी भी चीज को लेके, वीकेंड्स पे या मेरे डे ऑफ पे मुझसे ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि मैं होटल आऊंगी और काम करूंगी, फिर चाहे कितनी भी बड़ी शादी क्यों ना हो, कोई भी बड़ा इवेंट क्यों ना हो, कोई भी बड़ा गेस्ट क्यों ना आ रहा हो. क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं सर कि अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे कोई कॉल नहीं आएगा होटल से? इट्स ओनली फेयर, राइट? पल्लवी, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एग्जैक्टली सर, मैं, आप या कोई भी और इतनी क्लियर बाउंड्रीज नहीं बना सकता कि ऑफिस में घर का फोन ना उठाए, घर में ऑफिस का फोन ना उठाए. इट्स इम्पॉसिबल सर, हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है. सर, मेरे पास टैलेंट है, मैं जानती हूँ वर्क एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म. अगर नहीं होता सर तो आप कब का मुझे इस जॉब से निकाल चुके होते. ये जॉब या कोई और जॉब मेरे टैलेंट का सर्टिफिकेट नहीं है सर. सॉरी टू से, बट मुझे मेरी वैल्यू पता है सर. उस दिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और शायद आगे कभी होगा भी नहीं. लेकिन आप भूल रहे कि वो मेरी माँ थी, एन आइडियल वुमन. वो मेरे ऊपर चिल्ला सकती, मैं उन्हें रोकूंगी, लेकिन आप ये जॉब रख लीजिए सर, मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी. लेकिन अगर ये फैमिली मुझसे दूर हो गई तो मैं दूसरी फैमिली नहीं ला सकती. थैंक यू सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, बट आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय. थैंक यू सो मच. पल्लवी, तो आपके लिए ये जॉब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसेस पल्लवी अवस्थी. ओके, तो बाकी की सारी बातें हम आपके पति देव के साथ करेंगे. पूछते उनकी प्रायोरिटीज क्या है, ये जॉब इंपॉर्टेंट है या नहीं. आई जस्ट कांट बिलीव दिस. ईएमआई की डेट आ रही है, जॉब भी नहीं है, ईएमआई कैसे. What? नहीं करनी यार ऐसी जॉब. और सच बताओ तो इतना लाइट फील कर रही हूँ ना कि आई कांट टेल यू.
ठीक है पल्लवी, जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक ऐसे जॉब क्यों छोड़ दी। आई मीन ऑनेस्टली मैं अभी भी शॉक में हूँ इस बात को लेके। क्यों शॉक हो? आकाश जॉब छोड़ी है, टैलेंट तो साथ लेकर आई हूँ ना। ये जॉब भी टैलेंट से मिली थी, नेक्स्ट भी मेरे टैलेंट से मुझे मिल जाएगी। लेकिन फैमिली से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और इस बार ऐसी जॉब करूंगी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ और उन्हें साथ लेकर आगे भी बढ़ सकते हैं। अरे वो फैमिली के बारे में कुछ भी बोल रहे थे तो मैं क्या सुनती रहूंगी? और वैसे भी मैं अगर बॉस को समझाती ना तो आज तो सब ठीक हो जाता, लेकिन कल फिर वही होता। उन्हें बस मेरा टेस्ट लेना कि मेरे लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली या कार, इसलिए एक ही बार में बता दिया। राइट, ठीक है, एक काम करो, घर आ जाओ, जो भी होगा देख लेंगे। मैं भी बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ अभी। ठीक है, तुम पापा 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 संभाल के आइए, बैठिए आराम से, बैठिए यहाँ बैठिए। तुम यहाँ कैसे? एक सेकंड, ये लीजिए आप पानी, लीजिए पानी। तुम यहाँ पापा कहाँ धूप में घूम रहे हो आप? और ये क्या है, दिखाइए। मिलते ही इंटरोगेशन शुरू। हाँ मैं अपने यहाँ दोस्त से मिलने गया था। तुम बताओ तुम होटल क्यों नहीं गई, मतलब तुम ये बक्सा लेकर क्या कर रही हो? बक्से में क्या है? आप फ्री हो? मतलब सेलिब्रेट करते हैं। किस बात का सेलिब्रेशन? मेरी फ्रीडम का सेलिब्रेशन। मैं कुछ समझा नहीं। पापा मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों बैठे, तुमने जॉब क्यों छोड़ी? एक मिस्टर जयदेव शर्मा से सीखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली वैल्यूज से बढ़ते और कुछ नहीं होता। जब मुझे लगा ये दोनों चीजें कॉम्प्रोमाइज होने लगी है, बस मैंने कॉम्प्रोमाइज को लात मार दी। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मेरी जॉब छोड़ना इस तरह खुश रहे बेटा और लड़ अपनी लड़ाई। मैं अपनी दिक्कतें इस वक्त शेयर नहीं कर सकता, तेरी अपनी लाइफ में इतना सब हो रहा है। चाय बहुत बढ़िया बनाई है, आपको खबर पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, चाणक्यपुरी में एक वृद्ध जोड़ी की मौत। हफ्तों तक किसी को पता नहीं चला। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया। कुसुम, कोई अच्छी खबर भी तो छपी होगी, वो भी तो पढ़ के सुना सकती हो। दीदी मुझे ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है। अब तो आकाश को अपने ससुराल जाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मुझे आपके और भाई साहब की बहुत चिंता हो रही है दीदी। उसके जाने के बाद आप दोनों अकेले पड़ जाएंगे ना दीदी, रात को कमरे का दरवाजा खुला रखना। हाँ आकाश आ गया। गुड मॉर्निंग। पल्लवी ने जॉब छोड़ दी है। जॉब क्यों छोड़ दी उसने? पता नहीं पापा, कुछ सोचा होगा उसने, सही लगा होगा उसे। क्या सही लगा होगा? वैसे हर कोई दीदी जैसा थोड़ी होता है। नौकरी और घर इतना अच्छे से संभाला, बैलेंस किया, बच्चे भी पाल लिए, कभी नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आई। इन्हें कौन से बच्चे पालने हैं? वहां जाकर हंगामा किया ना, इस कारण जॉब से निकाल दिया। तुमने इतने साल काम किया, किसी के काम की जगह जाकर वहाँ घर के बर्तन भांडे खड़काओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना भी कुछ नहीं किया था मैंने। और भाई साहब मुश्किल होती है,
अब मोहल्ले में नाक कटी हो और आप जाके बहू को कुछ बोले भी ना, ऐसे कैसे? माँ है, आकाश को जन्म दिया है, फिर भी अपने मुंह पे ताला लगाए? चाची सीरियसली माँ, कम ऑन, अरे एक जॉब है, कोई सैलरी देता है, हमें उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना हमसे, और वो भी सर्विस इंडस्ट्री है, लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, पैसे देते हैं एक्सपीरियंस के, उनके सामने ऐसा तमाशा होगा तो वो रुकेंगे होटल में क्या? दोबारा आएंगे फिर से? अच्छा ये कॉर्पोरेट कल्चर है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, सब कुछ बदल चुका है, आपके टाइम से आज तक चीजें बहुत बदल चुकी है, कॉम्पिटिशन देखो कितना हो गया है, काम पे कितना प्रेशर होता है, मैं खुद उस होटल में काम करता हूँ, मुझे पता है कितना प्रेशर होता है। अरे प्रेशर तो होता ही है, तो नौकरी छोड़ दे। मैं देखता हूँ पापा। नमस्ते मैम। जी उमेश, तुम यहाँ क्या हुआ? बॉस ने ये लेटर भेजा आपके लिए, आप यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ आकाश, क्या लिखा है चिट्ठी में? कुछ नहीं चाची। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अवस्थी परिवार से। नहीं करनी यार ऐसी जॉब, सच बताओ तो इतना लाइट फील कर रही हूँ ना, क्या आई कांट टेल। बॉस ने ये लेटर भेजा है। आकाश तो होटल जा रहा है ना, मुझे प्लीज बैंक छोड़ देना रास्ते में। क्या हुआ आकाश, परेशान लग रहा है, ऑफिस में कुछ हुआ है? ट्रैक रिकॉर्ड पे इंक्वायरी बिठा रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.